आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीकर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता सुभाष महरिया ने पार्टी को ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। बातचीत करेंगे सुभाष महरिया साहब से। सर, घर वापसी हुई आज आपकी दोबारा, क्या वजह रही थी परिवार से रूठने की? सर, पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं रहा हूँ, कुछ कारणों से बाहर चला गया था। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हम आने वाले समय में कमल खिलाएंगे 2023 और 2024 में, इतना ही मुझे आपसे कहना है, जोर शोर से कमल खिलाएंगे। सर, क्या 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 राठौड़ साहब ने बहुत अहम भूमिका निभाई, आपसे मिले थे एक निजी कार्यक्रम में और आपने उनके आग्रह को? राठौड़ साहब ने पिछले 25 साल में हर कदम पर अहम भूमिका जो निभाई है, वो जीवन पर्यंत हमारी जो दोस्ती है, वो हमारे भाई हैं, उसमें कहीं भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उनका राजस्थान में जो वर्चस्व है, राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की विधानसभा में जो राठौड़ साहब तथ्य रखते हैं, पूरा राजस्थान जो है बहुत बारीकी से सुनता है, लोग टकटकी से सुनते हैं, एक आवाज़ सुनने नहीं होती है। ये इनकी मेहनत, इनके परिश्रम का फल है और मुझे इनिशिएटिव करने में राठौड़ साहब का बहुत बड़ा योगदान। सर, आखिरी सवाल आपसे है, राठौड़ साहब के पास भी आएंगे सर, कांग्रेस की क्या जो अंतरकला है पायलट बनाम अशोक गहलोत, उसमें 4.5 साल बीत गए, उससे परेशान हुए सर? वो सड़कों पर है और फॉर्च्यूनर से पहले आ जाएगी।